खालिस्तानी हो, तुम किस लिए हो? तुम आतंकवादी हो, तुम बेगुनाहों का कत्लेआम करते हो, तुम अपने आप को बहादुर समझते हो, नाम रखा बब्बर खालसा, जाओ बब्बर खालसा देखे, जाओ मारो वहां जाके, देखे कि आपने वहां पे बदला लिया। वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका कभी काबुल कंधार तक राज था, ये हमारी जमीन थी, ये हमारी जागीर थी। हरि सिंह नलुआ उस आर्मी के उस वक्त के चीफ थे। मैं खालिस्तानियों को आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि खालिस्तानियों, आप कौन सा खालिस्तान चाहते हो? आप पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल करके और खालिस्तान का हुआ भर के हिंदुस्तान को पंजाब से अलग करना चाहते हो? मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह महाराज का देश, हिंदुस्तान गुरु तेग बहादुर महाराज का देश। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? एक अफसोस की खबर कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में करतार परे वहाँ पे जो गुरुद्वारा है उसमें हमला हुआ है और आतंकी ब्लास्ट बताए जा रहे हैं एक के बाद एक, जहाँ पे आसपास के इलाकों में तरह तरह गोलियों की आवाज़। इतना ही नहीं, कई फुटेज सामने आए जहाँ पे हमने ये देखा कि सिख भाई वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पे मत्थे पे रख कर पूरे सम्मान के साथ वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ब्लास्ट पहली बार नहीं हुआ काबुल के उस गुरुद्वारे में, बार बार ऐसे आतंकी हमले होते आ रहे हैं, लेकिन इस पे तालिबान का अभी तक चुप्पी है, कहीं कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन वहाँ तालिबान से अगर हम सवाल पूछें तो सवाल उठता है कि पंजाब चुप क्यों है, वो खालिस्तान चुप क्यों है, जो सबसे पहले बेअदबी पे सवाल उठाता था कि गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी हुआ है, आज इतनी चुप्पी खामोश, चाहे वो कोई मीडिया हो, चाहे वो खालिस्तान गैंग हो, चाहे वो पंजाब की एक पार्टी हो, सब में एक चुप्पी क्यों साथ रखी है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर और जो बेअदबी फिर से हुई है, जो आतंकी ब्लास्ट हुए हैं, इन सब पे हम बात करने के लिए फिर से हम बिट्टा साहब के पास आए हैं और बिट्टा साहब से हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि इन सारे मुद्दों पे हमेशा से बिट्टा साहब ने खालिस्तानियों को जवाब दिया है और इन सब पे हम और सवाल पूछेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार। वंदे मातरम सर। सर जिस तरीके से काबुल से खबर आ रही है कि जहां पे आतंकी ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जानों की भी खबर आ रही है कि दो तीन लोग शहीद भी हुए हैं और कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, तो इसे कैसे देखते हैं सर आप? मैं पहले तो बड़ी निंदा करता हूँ जिन आतंकवादियों ने, जिन काफरों ने ये हमला किया है जी। ये हमला एक बार नहीं, ये हमला कई बार कर चुके हैं। उससे पहले भी कम से कम 30-35 के करीब हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे पिता समान गुरु ग्रंथ साहब सामने विराजमान थे। आतंकवादी आए और गोलियों का निशाना बना करके उनको शहीद कर देते। अफगानिस्तान अब सेफ देश नहीं रहा। हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, चाहे पाकिस्तान हो, रोज गुरुद्वारों को, मंदिरों को अपमान किया जा रहा है। हिंदू और सिखों का कत्लेआम हो रहा है। वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका कभी काबुल कंधार तक राज था, ये हमारी जमीन थी, ये हमारी जागीर थी। हरि सिंह नलुआ उस आर्मी के उस वक्त के चीफ थे जी। आज कहाँ काबुल कंधार चला गया जी, कहाँ लाहौर, कहाँ हम छोटे से पंजाब में रह गए जी। और एक गुरुद्वारा साहब ऐतिहासिक, हमारे सिख भाई जान की परवाह न करते हुए मौत का कफन बांध करके अपने सिर पे रख करके उनका जीवन जा सकता था, पर गुरु ग्रंथ साहब, गुरु साहिबानों ने उनके ऊपर मेर का हाथ रखा जी। और मौत का कफन बांध करके किस तरीके से मर्यादा के ऊपर अपने गुरु ग्रंथ साहब को लेके आए जी। सवाल सबसे बड़ा ये कि 41 के करीब, 41 के करीब सिख समाज के लोग, कुछ हिंदू भाई होंगे, मुझे लगता है कि ये भी वहाँ से चले जाएं, क्योंकि कुछ समय पहले ये वहाँ से खबर आई थी कि जहाँ तो आप मुसलमान बन जाओ या आपको मार देंगे। बिल्कुल, या यहाँ से छोड़ के। ये हमेशा से चलता आ रहा है ये दो लाइन, या तो धर्म परिवर्तन कर लो या मारे जाओ, ये शुरू से चलता आ रहा है। पर जब महाराजा रणजीत सिंह थे तो उनका राज था काबुल कंधार तक, उनकी दहशत थी, उनके फौज के जनरल हरि सिंह नलुआ जी की दहशत थी। कहाँ थी सिख कौम, कहाँ थी वो मार्शल कौम जो मजलूमों की रक्षा करती थी, कहाँ कौम को इन खालिस्तानियों ने आके खड़ा कर दिया। ये जो कुछ हुआ ये तो गलत हुआ। और वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो हिंदू हो या सिख हो, और हमारे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, उनको बड़ा सेफ लेके आए, जबकि हर तरफ गोलियां चल रही थी, हर तरफ बम्बों की आवाजें थी, युद्ध का माहौल पूरा बना हुआ था।
किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी वहाँ से सबको लेके आए, कुछ लोग रह गए नहीं तो वो भी आ जाते जी। पर हमने उस नरेंद्र मोदी जी का कभी शुक्रिया नहीं किया, हमने हमेशा उनको बुरा भला ही कहा। आज भी उनको उस चीज़ का फिक्र है। पर मैं खालिस्तानियों को आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले भी आपके चैनल पे जैसे मैं सवाल पूछ चुका हूँ, क्या आप मौत का कफन बांध करके जो पहले शहीद हुए, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे पिता समान, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ बार बार और आज फिर शहीद कर दिए गए, और पाकिस्तान के अंदर रह करके ये आतंकवादी पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले जो रोज पंजाब के अंदर कहीं बम चलाते हैं, कहीं गोलियां चलाते हैं, कहीं नदेड़ साहब के अंदर, कहीं दिल्ली के अंदर, कहीं महाराष्ट्र के अंदर, कहीं आंध्र प्रदेश के अंदर, अभी चार आतंकवादी करनाल में पकड़े गए जिनके हथियार RDX पूरे देश में जाना था, और कहाँ से आया सामान? पाकिस्तान से आया। मैं वो पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानी, झूठे खालिस्तानी जी, जब पन्नू जो यूके में, अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान को रोज धमकियां देता है, या कनाडा में वो चंद लोग, सारे नहीं, जो वहां से खालिस्तान की मूवमेंट को ऑपरेट करते हैं थ्रू पाकिस्तान, क्या आज हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ है, हमारे गुरुद्वारा साहब पे हमला हुआ है, क्या उनका बदला लेने के लिए क्या जाओगे वहाँ, उनको मुकाबला करने के लिए, उनको मारने के लिए जाओगे आप? ये मेरा खालिस्तानियों को सवाल है जी। अभी ब्लू स्टार ऑपरेशन का दिन मनाया गया अमृतसर के अंदर, हजारों की तादाद में या कई सौ के करीब होंगे, खुले तौर पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कि हमें आजादी चाहिए। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह महाराज का देश, हिंदुस्तान गुरु तेग बहादुर महाराज का देश, जिन्होंने हिंद की चादर चांदनी चौक में शहादत दी, पांच प्यारे सजाए गए आनंदपुर साहब के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, वो पंजाब के नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है जी। वहाँ हम अपने गुरुद्वारों की रक्षा नहीं कर सके, पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब की रक्षा नहीं कर सके, ग्रंथी की बेटी को अगवा किया जाता है, सिख समाज के लोगों को शहीद किया जाता है, हिंदू समाज के लोगों को शहीद किया जाता है, मंदिरों का अपमान होता है, गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, कश्मीर के अंदर एक प्रिंसिपल सिख समाज की, हमारी बहन को चुन के मारा जाता है, उनको गोलियों से शहीद कर दिया जाता है, 30-35 के करीब, 40 के करीब सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके कई साल पहले शहीद कर दिया जाता है। मैं खालिस्तानियों को आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि खालिस्तानियों, आप कौन सा खालिस्तान चाहते हो? आप पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल करके और खालिस्तान का हुआ भर के हिंदुस्तान को पंजाब से अलग करना चाहते हो? जब सवाल उठता है कि जब इस तरीके की बेअदबी पंजाब में अभी कुछ महीने पहले जब हुई थी, पूरा पंजाब खालिस्तान सिस्टम, अलग अलग सेलिब्रिटी सारे रोड पे आ गए थे कि बेअदबी हुई है, एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, लगभग ट्विटर पे महीनों तक एक ट्रेंडिंग चलता रहा बेअदबी को लेकर, तो क्या आज बेअदबी नहीं है? देखो मैं एक चीज बता दूं, जो काबुल के अंदर बैठे हुए सिख समाज के लोग हैं, चाहे 40-41 के करीब में कोई यहाँ है, ये इतने धार्मिक हैं, और हिंदू और सिख वहाँ पे बिल्कुल एक है, कोई फर्क नहीं, हमारा नौ रोटी बेटी का 9 मास का रिश्ता है। दुनिया में बैठे हुए सारा सिख समाज बड़ा पवित्र है, कुछ चंद लोग हैं खालिस्तानी जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पंजाब के अंदर ये सब कुछ हुआ, बड़े सड़कों पर आ गए, अब आप देखेंगे कोई सड़कों पर नहीं आएगा, सबने चुप्पी साध रखी है, सबने चुप्पी साध रखी जी, और चैनल के अंदर अपना शकल दिखाने के लिए जी मीडिया पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पर खालिस्तान के खिलाफ किसी भी सिख समुदाय के ये चैनलों पे जो रोज घूमते फिरते, एक आवाज नहीं उठेगी, चुपके से मौन धर के बैठ जाएंगे। क्या वो कहेंगे इन खालिस्तानियों को, खालिस्तानियों तुम किस लिए हो? तुम आतंकवादी हो, तुम बेगुनाहों का कत्लेआम करते हो, तुम अपने आप को बहादुर समझते हो, नाम रखा बब्बर खालसा, जाओ बब्बर खालसा देखे, जाओ मारो वहां जाके, देखे कि आपने वहां पे बदला लिया। ये टोटल पाकिस्तान की ISI की साजिश है, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये सारी पाकिस्तान वहां से आतंकवादी ये मिलके एक बहुत बड़ी साजिश है। और बिल्कुल आपने सही कहा, कल भी मैं कल का देख रहा हूँ, किसी भी न्यूज चैनल के अंदर जी, बड़े न्यूज चैनल के अंदर ये न्यूज दिखाई नहीं गई, ये न्यूज को खत्म कर दिया गया बिल्कुल। अरे ठीक है, इस देश के अंदर इस वक्त आफत आई है, एक बिल ऐसा आया है जो नौजवानों को एक गुस्सा है, माना है, पर
आपने इतनी बड़ी न्यूज को दबा दिया, ये चैनलों के ऊपर भी हमारा एक बहुत बड़ा गिला है जी। ये छोटी सी घटना नहीं है, गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला होना, वो भी अफगानिस्तान पे हमला होना, ये बड़े दुखदायी घटना है। तो तालिबान की तरफ से सर कोई बयान जारी नहीं हुआ है, तो क्या लगता है इसमें तालिबान का कितना योगदान है और तालिबान का इसमें कितना समर्थक है पाकिस्तान को? देखो मैं तो ये महसूस करता हूँ जी, तालिबान या और वहाँ जो भी लोग हैं वो नहीं चाहते यहाँ कोई और रहे। इनका वही पुराना रहा इतिहास, या तो वहाँ धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो देश छोड़ के चले जाओ, और मजबूरी में उनको आना पड़ेगा। पर वो गुरु ग्रंथ साहब के कारण, वो गुरुद्वारा साहब को कहते हैं हमारी जान चली जाए पर हम गुरुद्वारा साहब को, हम अपने गुरु को, हम गुरु ग्रंथ साहब को हम छोड़ के नहीं जा सकते। ये वो सर्वसिख कौम है, वो आ सकती है यहाँ पे, उनके परिवारों के परिवार इधर हैं, पर वो गुरु ग्रंथ साहब के साथ धोखा नहीं करना चाहते, अपने गुरु के साथ धोखा नहीं करना चाहते। वो गुरुद्वारा साहब के कारण ही मौत का कफन बांध के बैठे हुए हैं। हमारी सरकार को इसके ऊपर सख्त स्टैंड लेना चाहिए। सर जहाँ पे एक देश में बचे खुचे कुछ सिख भाई और हिंदुओं को भगाने के लिए इस तरीके के आतंकी हमले हो रहे हैं, वहीं पे हमारे देश में जहाँ पे हर धर्म को, हर संप्रदाय को एक बराबर माना जा रहा है, और इतना ही नहीं हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में बढ़ चढ़ के चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति ही क्यों न रहे हो, फिर भी हर बार ये बात की जाती है कि हमारे देश में इस्लाम फोबिया है, हमारे देश की राजनीति इस्लाम फोबिया फैला रही है, देश में दहशत का एक माहौल है, मुस्लिम हिंदू की जा रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इस तरीके की बात होती है कि हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। क्या हमारे देश से कहीं भी ज्यादा अधिक मुस्लिम और एक संप्रदाय सुरक्षित है, अगर हम उस देश से अपने देश को कंपेयर करें तो? मैं एक अपनी छोटी सी अपनी उदाहरण बताता हूँ जी। मैं सिख समाज से बिलोंग करता हूँ, पर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मुझे फख्र है मैं मातृभूमि पे, शहीदों की धरती पे जन्म लिया है, मुझे फख्र है जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान हुआ, गुरु तेग बहादुर महाराज का हमने वहाँ जन्म लिया है, मुझे फख्र है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी झांसी, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, उनके खून से सजा हुआ देश है, हमने यहाँ पे जन्म लिया है जी। समस्या हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हमारी ये है, हम ये कहने को तैयार नहीं मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, यही आके लकीर खिंच जाती है जी। तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, यहीं पे सारा सिलसिला खराब हो जाता है जी। जिस दिन हर हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति, हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति यह कहेगा जी। पहले मैं गर्व से कहूँ मैं भारतीय हूँ और प्रथम राष्ट्र मेरा मकसद है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ना हिंदू सिख, ना मुसलमान, ना ईसाई की लड़ाई रहेगी, ये को कहने को तैयार नहीं। बचपन के अंदर हम नारे लगाया करते थे, हम दीवारों पे लिखा करते थे, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, नारे यही लिखा करते थे, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज बताइए कौन कहता है? तो लकीरें तो खिंच गई, खाना इस मुल्क का नमक का खाना, और वहीं पे थाली पे चेक करना जी, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, ईसाई, अपने आप को भारतीय फकर से कहो ना, भारतीय दिल से आवाज निकले जी 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 जी। मैं कई बार आपको कहा, आप मेरे से, मैं आपको पूछूं मैं कौन हूं, मुझे फकर होगा इस चीज का, मुझे यकीन है आप कहेंगे मैं सबसे पहले भारतीय हूं, सिख बाद में हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पे लेकिन ये भी बात हुई है कि अभी जो गुरुद्वारे में जहां पे अटैक हुआ, जो आतंकी हमले हुए, उनका चौकीदार एक मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है, तो क्या ये एक साजिश हो सकती है कि आतंकी कोई रेकी कर रहे थे, आपसी कोई गुट थी? ये चीजें कश्मीर में तो हो रही है जी, कश्मीर में तो हो रही, जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा है जी, जब पहले हुआ जी उसमें वही थे अपने आस पास के। बिल्कुल। पर हम ये भी नहीं कह सकते महाराज रणजीत सिंह की फौज के अंदर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की फौज के अंदर मुस्लिम थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर मुस्लिम भी थे, ये नहीं कह सकते। पर हाँ, ऐसी चीज़ के ऊपर अगर कश्मीर के अंदर हुई है, ऐसी चीज़ों की जो है ना हिंदुस्तान की सरकार को ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए, अपना यहाँ से डेलीगेशन भेजना चाहिए, वो जहाँ पे सारा दिखे।